तो गाइज, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन जॉब लेके आया हूँ जो हमेशा आपकी डिमांड होती है कि हमें कुछ टाइपिंग का काम बताओ जो हम घर बैठे कर सकें। और आज की ये जॉब भी स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाली है जो सिर्फ 12th पास हैं और चाहते हैं कि यार कुछ पेज टाइपिंग का काम मिल जाए और वो घर बैठे इस काम को कर सकें। अब ये जो जॉब है ये 2 दिन पहले ही पोस्ट हुई है, इसलिए आज मेरे पास नोटिफिकेशन आया और मैंने सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई है ताकि आप सबसे पहले अप्लाई कर सकें। अब अप्लाई आपको कैसे करना है वो मैं अभी आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, मैं भी अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बता सकूं कि आपको कभी भी किसी को एक रुपया नहीं देना होता है। कोई भी वेबसाइट या कोई भी कंपनी जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो आपसे पैसे की डिमांड कर रही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो आपसे कहें कि रजिस्ट्रेशन फीस है, चाहे वो आपसे कहें कि सिक्योरिटी अमाउंट है, या किसी और वे में अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, तो आपको किसी को एक रुपया भी नहीं देना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये जरूर बताता हूँ कि यार आपको किसी को पैसे कभी नहीं देने, क्योंकि जो आपसे पैसे लेगा वो आपको काम नहीं देगा और जो आपको काम देगा वो आपसे कभी पैसे नहीं मांगेगा। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम जो वीडियोस बनाते हैं, हम जो वेबसाइट आपको बताते हैं, अलग अलग कंपनी के बारे में बताते हैं, बहुत लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई थर्ड पार्टी वाले आपको पैसे की डिमांड कर देते हैं, तो आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको किसी को पैसा नहीं देना। क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, मान लीजिए अभी मैं ये वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, जॉब आपको बता रहा हूँ, आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपकी जो डिटेल्स होती है वो उस वेबसाइट के थ्रू अलग अलग लोगों के पास पहुंचती है। कुछ पार्टीज या थर्ड पार्टी ऐसी होती हैं जो आपके डेटा को यूज कर आपको कॉल करती हैं कि हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, आपके जॉब लगाएंगे और आपको ये अमाउंट देना होगा। तो आपको हमेशा अवेयर रहना है और ऐसे किसी भी पार्टी को या किसी भी कंपनी को कभी कोई पैसा नहीं देना। चलो अब बात कर लेते हैं आज की इस जॉब की। अब जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपका जो है सिंपली टाइपिंग यानी कि पेज टाइप करने हैं आपको, और जो कंपनी की तरफ से कहा गया है वो कहा गया है कि एक पेज का आपको 300 रुपये मिलेगा। तो घर बैठे आपको एक पेज का 300 रुपये मिल रहा है, तो आपको देरी नहीं करनी है, अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कंपनी की तरफ से क्लियरली बताया गया है कि कोई भी पैसे की डिमांड आपसे नहीं की जाएगी। तो अभी मैं सीधे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर इस जॉब की पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हम बिना टाइम वेस्ट के सीधे लैपटॉप के स्क्रीन पर चलेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पहली बार आए, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते से लैपटॉप की स्क्रीन पर समझते हैं पूरा प्रोसेस। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। और जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो जॉब है ये है आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स और ई बुक टाइपिंग है, जहाँ पे 300 रुपये पर पेज मिल रहे हैं। अब देखिए, हम लोगों का काम होता है आप लोगों के लिए ऐसी जॉब लेके आना जो आप घर बैठे कर सकें और जहाँ पे आपको टाइपिंग का काम मिले और आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी किसी को अपनी जेब से एक रुपये का पेमेंट नहीं देना। अगर आपसे कोई किसी भी स्टेज पर पैसे की डिमांड करता है तो आपको क्लियरली मना कर देना है, क्योंकि हमारा मकसद आपको जॉब दिलवाना है, वो भी बिना किसी पैसों के। अब क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पर थर्ड पार्टी अपना कमीशन मांगती है, तो आपको किसी को भी पैसा कभी नहीं देना, क्योंकि हमारी वीडियोज़ में आपको हमेशा ऐसी जॉब के बारे में बताया जाएगा जहाँ पर आपकी जेब से कोई पैसा खर्च ना हो। अब यहाँ पर देखिए, मैक्स डाटा एंट्री सर्विस लिमिटेड ये कंपनी है और 0 to 3 years एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक एड ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, बात करें अगर यहाँ पर इनकम की, तो लिख रखा है 1.20 से 2.40 लाख पर एनुअल है, पर क्योंकि ये जो काम है ये एज ए फ्रीलांसर है, यानी कि आपको टाइपिंग का काम करना है वो भी घर बैठे बैठे पेज का, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर सकते हैं। अगर मैं सिटी की बात करूं तो देखिए, बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगह के लिए है, पर क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है तो आप किसी भी सिटी से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे देखिए जो जॉब है ये पोस्ट हुई है 26 अक्टूबर, यानी कि अभी ये 3 दिन 2 दिन पहले ये जॉब पोस्ट हुई है, तो आपको आज ही इस पे अप्लाई कर देना है, क्योंकि ऐसी जो जॉब्स होती है ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं, जल्दी से फिल हो जाती हैं। अब मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूँ, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है वी आर लुकिंग फॉर मोटिवेटेड डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि ये एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर जो डेटा एंट्री का काम कर सके, दैट कैन वर्क विद द लिटिल डायरेक्शन टू इंश्योर ऑप्टिमल क्वालिटी आउटकम्स, इट्स अ फ्रीलांसिंग होम बेस्ड वर्क। जैसे मैंने बताया कि ये जो आपका काम होने वाला है ये फ्रीलांसिंग का काम होने वाला है, और ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर टीम, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी वो आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपको ये नहीं सोचना कि आपको कैसे काम करना है, क्योंकि कंपनी आपको सबसे पहले ट्रेनिंग देगी। अब इनके पास बेसिकली देखिए दो प्रोजेक्ट हैं, एक है आपका ई बुक टाइपिंग का जो कि 300 रुपये पर पेज है, और दूसरा है एक्सेल न्यूमेरिक एंट्री का जो कि 15 रुपये पर रो का मिलेगा और 9 कॉलम होंगे एक में। तो फिलहाल हम ई बुक टाइपिंग की बात करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ईजी और ज़्यादा इफेक्टिव है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करने के क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल हैव टू टाइप वेरियस एजुकेशनल एंड मेडिकल कंटेंट इन कंपनी सर्वर एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ डेली डेटाबेस, यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होंगे जब आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका काम क्या होगा कि आपके पास एजुकेशनल और मेडिकल कंटेंट आपके पास आएंगे, वो आपको कंपनी के सर्वर में टाइप करने होंगे, और आपको टाइम टू टाइम वो उनको मेंटेन भी करना होगा जो भी डेटाबेस होगा। मान लीजिए आपने कोई आज मेडिकल या एजुकेशन रिलेटेड कोई डेटा आपने टाइप करा है, और 5 दिन बाद अगर कंपनी आपसे कहे कि इसका आपको जो है ये जो आपने डेटा करा था इसको आप निकाल के दीजिए, तो आपको फिर वो डेटाबेस से निकाल कर उनको देना भी होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है, 12th पास और एनी ग्रेजुएशन कैन ज्वाइन, यानी कि कम से कम जो मिनिमम है वो 12th पास है, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो एड ऑन हो जाएगा, लेकिन कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है। फ्रेशर आर मोस्ट वेलकम, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं एज ए फ्रेशर। गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम 20 वर्ड्स पर मिनट। अब देखिए क्योंकि आजकल के टाइम में सभी जो है अपने व्हाट्सएप से या अपने मोबाइल से टाइपिंग ज़रूर करते हैं किसी न किसी यूज़ किसी न किसी एप्लीकेशन में, तो आपको आप यूज टू हो जाते हैं उन चीज़ों के और आपकी टाइपिंग ऑलरेडी इतनी होती है जो यहाँ पर डिमांड की गई है, तो आप यहाँ पर मिनिमम 20% है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसके लिए एक बार गूगल पर जाकर वहाँ टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो वर्ड पर मिनट टाइपिंग है वो कितनी है। एबिलिटी टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, यानी कि यहाँ पे जो भी आपको टास्क मिलेंगे चाहे वो रिपीटेटिव हो चाहे कैसे भी हो वो आपको करना आना चाहिए। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड अदर ऑनलाइन वर्कशीट, क्योंकि देखिए आपको जो काम होने वाला है वो डेटा एंट्री यानी कि टाइपिंग का होने वाला है, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए एमएस वर्ड की एमएस एक्सेल की। अगर नहीं है तो इसके लिए भी देखिए आजकल गूगल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं जो आपको एमएस एक्सेल एमएस वर्ड सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज आफ्टर सिलेक्शन एंड ऑनलाइन इंटरव्यू एंड ए टाइपिंग टेस्ट विल बी टेकन, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है और एक टाइपिंग टेस्ट होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए अपने उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि व्हाट्सएप पे आप मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे रिप्लाई के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी देखिए जॉब फंक्शन दिया है, इंडस्ट्री दी है, कहाँ के स्पेसिफिक रोल दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय टाइप दिया गया है, वैकेंसीज देखिए यहाँ पे कितनी निकली हुई हैं, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं हम सबसे ऊपर। अब देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल रहा है, सिंपली इस अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये अप्लाई का जो लाल बटन का बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ये पूछता है लॉग इन योर टाइम जॉब्स अकाउंट, यानी कि आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा। अब यहाँ पे तीन तरीके हैं बेसिकली। पहला वाला है आपके जीमेल से आप डायरेक्ट अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा ऑप्शन आपके पास मिलेगा कि आप अपने फेसबुक से यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, यानी कि आपके मोबाइल या आपका पीसी में फेसबुक अकाउंट होना चाहिए या आपका जीमेल अकाउंट है तो आप यहां से डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के भी लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आपको यहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना। जब आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले नेम डालना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, जॉब फंक्शन नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जॉब फंक्शन में क्या है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग है, सेल्स बिजनेस है, एडवर्टाइजिंग है, फ्रंट ऑफिस स्टार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है,
तो जो आपको लगता है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कितने साल कितने मंथ का नहीं है तो 00 कर दीजिएगा। उसके बाद करंट वर्क लोकेशन क्या है, आप अभी कहाँ पर हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे गुड़गांव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपनी की स्किल्स डालनी है, यानी कि कौन कौन सी की स्किल्स आपके पास हैं वो यहाँ पे डाल के अब यहाँ पे देखिए आपको अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है। तो ये मैनुअली तरीका है, अगर आपको ये नहीं करना है तो इसका दूसरा ऑप्शन सीधा सा है। यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया कि आप सीधे अपने जीमेल अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीमेल अकाउंट से कनेक्ट कर दिया है। अब जीमेल अकाउंट से कनेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे जो है लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें उसी पेज पे वापस जाना है, उसी लिंक पे वापस जाना है और अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है, जिस ईमेल एड्रेस पासवर्ड से हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही देखिए आप वहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना अपलोड योर रिज्यूम पे क्लिक कर रिज्यूम को अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। तो गाइस यार अभी से अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं कोई डाउट है, कोई टेंशन है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू गाइस। तो गाइस देखा आपने, यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि आपको सारी चीजें डिटेल से बता सकूं, ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको लगे कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, कोई मिस आउट चीज हो चुकी है तो वीडियो आपके पास है, वीडियो को आप फिर से देखिए और इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है उन दोस्तों के बीच में जो 12th पास है और घर बैठे ही पेज टाइपिंग का काम करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। साथ ही साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो फिर बता रहा हूँ कि किसी को कोई पेमेंट नहीं देना है। बहुत लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि पेमेंट दे देते हैं फिर बाद में उनको जो है पेमेंट वापस नहीं मिलती, तो आपको हमेशा सतर्क रहना है, कभी भी किसी को पैसा नहीं देना। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब टिप्पणी के साथ। तब तक अपना रखना प्यार ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।